आदर अभिवादन आप सभी का। मैं श्रीकांत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मास्टर ट्रेनर की भूमिका में हूँ। कुछ विषय जिन पे आप लोगों से बात करनी है उनमें मुख्यतः मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मेन होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो उस पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन, मीडिया मॉनिटरिंग और पेड न्यूज़, इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें शुरुआत हम करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें बनी हुई है। इस प्रिंसिपल के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं अगर हम, तब बात आती है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की, मीडिया सर्टिफिकेशन की या पेड न्यूज़। ये उसका एम्बिट होगा जिसको हम बाद में कवर करेंगे। इनिशियली सिर्फ समझने और जानने की बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्शंस कंडक्ट होते रहते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक दल किसी न किसी राज्य में और केंद्र में सत्तासीन होता है और सत्ता का अपना एक प्रभाव है। उस प्रभाव का इस्तेमाल इस तरीके से न हो कि दूसरे राजनीतिक दल या दूसरे प्रत्याशी को समुचित अवसर प्राप्त न हो, इस भाव को लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना बिना किसी लॉ का सपोर्ट होते हुए भी सबसे अच्छी तरीके से किया जाता है। उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी भी सहमति है कि वो जो गाइडलाइंस तय की जा रही हैं उनका सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे। और इसका उद्देश्य बेसिक है कि हर वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल से संबद्ध हो या निर्दलीय हो, समुचित और समान अवसर प्रतिद्वंदिता के लिए उसको उपलब्ध हो सके। अर्थात एक लाइन में, एक शब्द में अगर कहें तो लेवल प्ले फील्ड उपलब्ध कराना इसका पूरा फोकस पे है। आदर्श आचार संहिता, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स, इन दोनों ने अपनी सहमति इसमें व्यक्त किया है कि इसको हम पालन करेंगे, इसका हम सम्मान करेंगे। तो अब इसके बारे में मोटा मोटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर बात करता हूं मैं, तो इसका कब से प्रभावशील होना चाहिए, प्रभावशील कब होगा, कब तक रहेगा ये, फिर इसके दायरे में कौन कौन लोग आएंगे, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो PPTs हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावशील होना ये कब से होता है। तो जिस तारीख को निर्वाचन की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, अर्थात प्रेस नोट जिस तारीख को जारी किया जाता है, उस तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। इसका मूल पूरा उद्देश्य जो है वो स्वस्थ और शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इलेक्शंस को कंडक्ट करना होता है, लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड करना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके फोकस में है, इसकी आत्मा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके ऊपर ये पूरी तरह बेस्ड है। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? निर्वाचन भारतीय संविधान की आत्मा जो बनी है वो लोकतंत्र उसके मूल में है, और इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन ये टूल के रूप में विकसित हुआ है। तो इस निर्वाचन की शुचिता, शुद्धता, पारदर्शिता और इसके ऊपर विश्वसनीयता ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक इसकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर नहीं होगी तब तक के लोकतंत्र के ऊपर लोगों की आस्था स्थापित नहीं हो सकती। बस यही मेनली उद्देश्य है इसका, इसके पीछे रैशनल यही है। और ऑफिशियल मशीनरी इसके लिए जो यूज़ होगी वो एसेंशियली गवर्नमेंट एजेंसीज ही होंगी, क्योंकि शासन की एजेंसीज ही इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगी। तो ऑब्वियसली शासन की जो अधिकारी हैं, शासन अपने आप में, प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के ऊपर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रभावशील होगा, और उनसे क्या अपेक्षाएं की गई हैं इस बारे में भी हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। इसके एप्लीकेशंस के ब्रॉड एरियाज़ के ऊपर अगर बात करते हैं हम,
तो वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट जनरली जो है अपनी स्कीम्स और अपने काम से लोगों को प्रभावित कर सकती है, एंटाइज कर सकती है, तो इसका दायरा उसके ऊपर भी जाती है, जारी रहेगा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है तो कितनी दूर तक किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से इलेक्शंस को हम कंडक्ट करते हैं, तो उनके स्थानांतरण, उनकी पोस्टिंग और उनकी नियुक्ति से संबंधित भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके ऊपर कुछ बंदिशें होंगी, जब तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील रहेगा तब तक। अब संसाधन की बात करते हैं, तो शासन के पास जितने भी शासकीय भवन हैं, शासकीय गाड़ियां हैं, शासकीय तंत्र है, उन सब का उपयोग दुरुपयोग करने की क्षमता शासन के पास होती है। इसलिए इससे संबंधित जो प्रावधान हैं वो भी दिए गए हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे तो रेस्ट हाउस, डाक बंगलोज और अलग प्रकार जो दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एकोमोडेशंस हैं, उनका क्या, उनका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रतिबंध होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल फंक्शनरीज़ में और जो मिनिस्टर्स हैं इन जनरल, उनके भ्रमण से संबंधित भी कुछ प्रतिबंध होंगे, उसका क्या गाइडलाइन है, क्या क्राइटेरिया उसके लिए दिया गया है, क्या करने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन माना जाएगा, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इन सब बारों पर, बिंदुओं पर भी आने वाले समय में, इसी सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑफिशियल एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स के उपयोग से संबंधित, लाउड स्पीकर्स का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए प्रचार प्रसार की सामग्री अगर है तो, छपाई से संबंधित तंत्र अगर आप बताते हैं तो पैम्पलेट, पोस्टर्स और दूसरी प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे संबंधित क्या गाइडलाइंस हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। यद्यपि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो रहेगा इसको हम ज़्यादा कवर करेंगे MCMC में और पेड न्यूज़ उस सेशन में जब हम डील करते रहेंगे तब इसको ज़्यादा करेंगे। बट फिलहाल मोटा मोटा, चूँकि जैसे मैंने चर्चा किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इसको ही एस्टैब्लिश करना है, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग और पेड न्यूज़। ये इस PPT में जो तीन क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है कलर के हिसाब से, उसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ग्रीन प्री पोल टास्क और इंस्ट्रक्शन से संबंधित होंगी, जिन कलर का कलर ग्रीन होगा। ब्लू वाले जो रहेंगे वो पोल डे के लिए जो टास्क होंगे या उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन होंगे वो होंगे, और पर्पल कलर होंगे जो पोस्ट पोल टास्क के इंस्ट्रक्शन संबंधित होंगे। इस तरीके से कलर कोडिंग में ही अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस दौरान किए जाने की अपेक्षा की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 129(1), ये विशेष तौर पे उन लोगों के लिए प्रभावशील किया गया है जो इलेक्शन से सीधे तौर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि इलेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, तो दूसरी जो एजेंसीज जो एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन पर नहीं मानी जाती है, उन पर किसी प्रकार का वायलेशन अगर पाया जाता है तो उनको सर्विस रूल्स के तहत हम लोग को अनुशासनिक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। बट 129(1) जो मेनली इलेक्शन से रिलेटेड लोग हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें मेजर क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन को कंडक्ट करते होते हैं, और पुलिस ऑफिशियल्स सेक्शन 28(1) के तहत उनको डेपुटेशन, डीम डेपुटेशन का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। ये दो कैटेगरी विशेष तौर पर रहते हैं। उसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो इलेक्शन के दूसरे सेक्शंस में काम करते हुए जिनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष प्रकार की अपेक्षा की जाती है, उनको भी अपन कह सकते हैं कि 129(1) के तहत वो कवर किए जा सकते हैं। जब आदर्श आचार संहिता जब तक प्रभावशील रहेगी, तब तक ये अपेक्षा की गई है कि जो राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या दूसरे पॉलिटिकल फंक्शनरी से, चाहे वो केंद्र से संबंधित ही क्यों ना हो, न तो व्यक्तिगत सामर्थ्य में और न ही सामूहिक सामर्थ्य में जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरे प्रकार की मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शंस कंपेंडियम, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर 29 में कंपेंडियम जो दिया हुआ है Volume 3 का, उसमें ये वाले इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें प्रत्याशी तो चुनाव लड़ रहे हैं, बट प्रत्याशी से संबंधित जो व्यक्ति है, विशेष तौर पर उसकी पति पत्नी या बहुत क्लोज रिलेटिव, वो शासकीय सेवा में है। अगर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन है कि वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, न तो वो अवकाश पर जाएंगे और न उनको भ्रमण करने की अनुमति दी जाएगी, और न ही वो अपना मुख्यालय छोड़ पाएंगे। इससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस जो उपलब्ध हैं उसको हाईलाइटर के तौर पर दिया गया है, इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं।
एमसीसी में ट्रांसफर्स पे कुछ बैन लगाए जाते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनके ट्रांसफर्स पे टोटल बैन होगा। इनमें विशेष तौर पे अगर हम देखते हैं, बट यहाँ तक सीमित नहीं होंगे ये लोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन की एजेंसीज हैं उनसे संबंधित जुड़े हुए जितने लोग हैं वो, देन डिविजनल कमिश्नर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स के कैपेसिटी में जो काम कर रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कैपेसिटी में जो काम कर रहे होंगे, ARO की कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे, जो दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट के लिए जुड़े हुए होंगे, और पुलिस पर्सनल्स, विशेष तौर पर जैसा कि यहाँ पर उल्लेख भी किया हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो इलेक्शन से संबंधित मैनेजमेंट में, IGs, DIGs, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SDO पुलिस, TI, इंस्पेक्टर रैंक के जितने ऑफिसर्स हैं उनको भी इसमें कवर किया हुआ है। और जैसा मैंने आपको चर्चा में बताया था इसके पहले कि सेक्शन 28A जो RP एक्ट होता है उसमें ये डीम्ड डेपुटेशन पे माने जाते हैं। इसका एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, CO ऑफिस इसका एक नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ये नोटिफिकेशन के बाद इसका प्रभाव ये रहता है कि पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल्स, विशेष तौर पर जो थाना लेवल के जो इंचार्ज होते हैं उससे और उसके ऊपर के, इन सब लोगों के ट्रांसफर्स के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। बहुधा ये बातों को भी गौर किए जाने की ज़रूरत होती है कि जो लोग एक ही जगह पर पदस्थ हैं, जो शासकीय अधिकारी एक ही जगह पर पदस्थ हैं, वो बहुत काल तक के अगर एक ही जगह पर पदस्थ हैं तो उनको उनके उनसे ये कोई ना कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उसका प्रभाव उनके साथ में जुड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए अपेक्षा की गई कि उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो जिनको हटा दिया जाना चाहिए उसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि पहला, होम डिस्ट्रिक्ट में किसी ऑफिसर की पदस्थापना नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक डेट, कट ऑफ डेट बताया है, वो कट ऑफ डेट जो है स्पेशली इंस्ट्रक्शन के थ्रू इलेक्शन कमीशन से आता है। इस स्लाइड में वो 31 मई 2019 शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये बिहार इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में बात की गई है। तो उस तारीख कट ऑफ डेट से 3 साल तक अगर लगातार कोई भी अधिकारी जो व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है वो अगर लगातार पदस्थ है वहाँ पर, तो उसको भी हटाए जाने की बात कही गई है। इसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके बारे में भी बात होती है, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके बने रहने से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बट इसमें पिछले जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उस दौरान अच्छे डिस्कशन के बाद ये पॉइंट निकल करके आया था कि हर वो व्यक्ति जो शासन की नीति के क्रियान्वयन और निर्णय लेने की क्षमता रखता है किसी न किसी स्तर पर, या वित्तीय क्षमता जिसके अंदर वेस्टेड है, उन सब लोगों को इस दायरे में विचार में लिया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा और लोकसभा के दौरान इस बात का विचार करते हुए ये तय भी किया गया था। मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा रैशनल है जो इस इंस्ट्रक्शंस को शायद उस ब्रॉड स्पिरिट पे लेकर के जाता है, स्पिरिट और लेटर्स में वहाँ तक लेकर के जाता है जहाँ तक शायद जाने के लिए इसको ड्राफ्ट किया गया है। तो ये स्लाइड पुनः वो इसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, मेनली रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस पर्सनल जिसके बारे में बात की है, कि ये चूंकि प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं और मतदाता को इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रभावित करने की क्षमता इनके अंदर होती है, इसलिए शायद इनके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है कि एक बार ये अगर पोस्टिंग हो गए हैं और जिस जगह पर हो गए हैं वो इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो फिर ये इस कैटेगरी के जो ऑफिसर्स हैं वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। पुलिस ऑफिसर्स के लिए इन्होंने एग्जम्पशन जरूर उल्लेख किया है विशेष तौर पे कि जो लोग डायरेक्ट फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, कंप्यूटराइजेशन पे हैं या स्पेशल ब्रांच में हैं या ट्रेनिंग सेल पे हैं या रेडियो डिवीजन में हैं, इस तरीके के जो ऑफिसर्स होंगे पुलिस के वो भले हायर कैटेगरी के हों या एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के हों, इन लोगों को ट्रांसफ़र किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अदरवाइज सब इंस्पेक्टर लेवल तक भी इसमें कहा गया है कि जिन्होंने 3 साल की अवधि पूरी कर ली है उस क्षेत्र पे, जो कट ऑफ डेट दिया हुआ है वो, उसका स्थानांतरण उसमें किया जाना अपेक्षित किया गया है। बट जो ऑफिसर्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इलेक्शन से, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे जो कैडर के लोग रहते हैं उनको स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है। सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट कैटेगरी के लोग जो रहते हैं उनका बड़ा स्पेसिफिक जॉब रहता है और बहुत ज़्यादा मतदाता से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, मतदाता को प्रभावित करने की अपेक्षा उनके अंदर नहीं रहती, क्षमता उनके अंदर नहीं रहती, तो ऐसे कैडर के लोगों को विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो दायरा नहीं बढ़ाया गया है कि इन लोगों को स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा हो। बट जैसा मैंने अभी चर्चा की आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो व्यवस्था तय हुई थी डिस्कशन के बाद वो ये थी कि ऐसे कैडर के जो लोग रहते हैं उनमें भी कोई ना कोई वित्तीय क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता होती है, इस तरीके के निर्णय लेने की क्षमता होती है कि वो सीधे सीधे आम जन को या
मतदाता को प्रभावित कर सकता है, शासन की नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित अगर बात करते हैं तो भी। तो ऐसे लोगों को इस दायरे में विचार में जरूर लिया जाना चाहिए, यद्यपि ये आज्ञापक अपेक्षा नहीं है। ऐसा लगता है अगर कि ये व्यक्ति प्रभावित करने की स्थिति में है मतदाताओं को, तो उसके स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए। मगर सिर्फ स्पेसिफिकली सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में अगर कोई काम कर रहा हो, सिर्फ ये आधार नहीं हो सकता है कि उसको स्थानांतरित नहीं किया जाए। इस बिंदु पर अपन चर्चा कर चुके हैं, जो होम डिस्ट्रिक्ट में है और 3 साल से अधिक किसी जगह पर लगातार काम कर रहा है और प्रभावित करने की क्षमता रखता है अगर शासन तंत्र को, प्रशासन तंत्र को या मतदाता को, और बायस है किसी प्रकार का अगर उसके अंदर प्रूवन बायस है, तो ऐसे लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अदरवाइज बाकी लोगों को स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं होती है। स्थानांतरण के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो मूलतः जिला उसके लिए कंसिडरेशन में होना चाहिए, ये कहा गया है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसी सेगमेंट तक ही विचार किए जाने की बात कही गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी कहता है कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ में प्रमोशंस भी शासन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो शासन के अधीन है, राज्य शासन के अधीन है, इस अवधि में उनमें भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाना चाहिए, या अगर किया जा रहा है तो उसको विधल कर देना चाहिए जब तक के ये पीरियड प्रभावशील है तो। और बहुत ज़्यादा अगर आवश्यक है तो फिर कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसमें परमिशन या क्लियरेंस लिए जाने की ज़रूरत होगी। मिनिस्टर्स और कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन के लिए क्या प्रोविजंस है, इस सेक्शन पे हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, अर्थात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, उसमें मिनिस्टर्स के लिए ये बंधन है, प्रतिबंध है कि वो कोई ऑफिशियल विजिट नहीं ले सकते ऐसी जगहों का। जनरली ऑफिशियल विजिट अगर वो लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार का प्रचार और पॉलिटिकल कैंपेनिंग, इसकी संभावना से इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कहा गया है कि ऑफिशियल विजिट नहीं लेंगे, अर्थात सरकार के खर्चे पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार को बढ़ावा ही देंगी, और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, ये अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स जो होंगे, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, उससे संबंधित कोई मीटिंग नहीं ली जाएगी, उन्हें बुलाया नहीं जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इन लोगों से बात नहीं की जा सकेगी। ये प्रतिबंध पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक प्रभावशील रहेगा तब तक के लिए बनाए रखे जाने की अपेक्षा की गई है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है या कोई प्राकृतिक आपदा आता है, ऐसी स्थिति में उनसे संबंधित विषयों के लिए मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर साहब के अगर पर्सनल प्रेजेंस की अपेक्षा की गई है कि वो सुपरवाइज करें, रिव्यू करें, कि किसी प्रकार का बचाव कार्य के लिए उनकी उपस्थिति वहाँ पर होनी आवश्यक है, तो वैसी स्थिति में शासकीय भ्रमण को अनुमति दी गई है। परंतु इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स जो रहेंगे, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हों जहां पर इलेक्शंस हो रहे हों, तो उनको समन करने का जो काम होगा, उनसे बातचीत करने का काम होगा, वो इसी ऐसे स्थान पर होगा जो विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर हो। बस ये सावधानी विशेष तौर पर रखे जाने की अपेक्षा होगी। और ऐसी परिस्थिति पर जितने भी खर्च होंगे, वो अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, उससे रिलेटेड नहीं हैं अगर, तो फिर वो व्यक्तिगत खर्चे पर शामिल हो जाएंगे। और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से अगर जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति से अगर जुड़े हुए कुछ खर्च हैं, तो उनको भर व्यक्तिगत खर्च में या पार्टी के खर्च में या किसी प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा, अन्यथा इसको जोड़ा जाएगा। इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको जब हम एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात करते होंगे तो इस पर और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना और गौर करने की ज़रूरत है कि अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए कोई गए हैं, तो वो भी प्रत्याशी या मिनिस्टर साहब जो गए हैं, वो प्रत्याशी के खर्च में शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगर टूर लगातार उसी जगह से टूर शुरू हो जाता है, तो भी ये निर्वाचन प्रक्रिया के पेटे किए गए खर्च में शामिल किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत भ्रमण मंत्री महोदय का, चाहे किसी राजनीतिक फंक्शनरी होंगे उनका, शासकीय भ्रमण के साथ में संयुक्तिकरण नहीं किया जाएगा, मतलब कंबाइन नहीं किया जाएगा। जो मिनिस्टर साहब किसी शासकीय कार्य से किसी अन्य क्षेत्र में भ्रमण से अगर निकले हुए हों, तो भी यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस होने हों, या उस ज़िले में जहाँ पर इलेक्शंस होने हों, इन दोनों स्थानों पर उनके रात्रि भ्रमण करने की अपेक्षा या उनके हॉल्ट करने के लिए जो है प्रतिबंध दिया गया है, इससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं। किसी पब्लिक फंक्शन की अगर बात करते हैं कि रिपब्लिक डे फंक्शन जैसे बीच में अगर आ गया, या 15 अगस्त, हालांकि इस ड्यूरेशन में
अगर मैं मरवाही के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इस दौरान ऐसा कोई गवर्नमेंट गैदरिंग के लायक कोई स्थिति नहीं बन रही है, बट उसके बावजूद एक जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि ऐसा कोई फंक्शन अगर होता है किसी जगह पर तो उसको ऑनर्स वगैरह देने के लिए जो लोगों को सम्मान करने की बात है वो वाला हिस्सा नहीं होगा। बाकी जो रिचुअल्स के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो झंडा वंदन होना है, जो परेड की सलामी लेना है, ये इतना हिस्सा तो किया जा सकता है। इन अवसरों पर अगर मिनिस्टर साहब या कोई दूसरे पॉलिटिकल फंक्शनरी अगर कोई स्पीच भी दे रहे हैं तो ये स्पीच के बारे में भी रिस्ट्रिक्शंस कहा गया कि ये कन्फाइंड होंगे, जो प्रमोशन ऑफ हारमोनी से जुड़े हुए होंगे सिर्फ उतने हिस्से तक ही रहेंगे। व्यक्तिगत उपलब्धियां, राजनीतिक दल की उपलब्धियां या शासन की उपलब्धियों से संबंधित कोई बात जो है इसमें नहीं कही जाए, ऐसी अपेक्षा की गई है। जब ऐसे भ्रमण पर कोई निकले हुए हों, चाहे राजनीतिक दल के व्यक्ति चाहे मिनिस्टर साहब, तो पायलट कार्स या बीकन लाइट्स या कोई ऐसा कलर जो डिस्प्ले करता हो उनका स्टेटस, ये सब चीज़ें इसमें से हटा दी जानी चाहिए। शासकीय वाहन का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए, निर्वाचन प्रचार के लिए या राजनीतिक दल के निर्वाचन से संबंधित भ्रमण इत्यादि कार्य के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस बात को हर अधिकारी अंडरलाइन कर ले। यद्यपि राज्य या केंद्र के मंत्री महोदय अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग निर्वाचन कार्य के प्रचार प्रसार के लिए करेंगे तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें खर्चे से संबंधित जो विषय है उसको हम लोग इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में कवर करेंगे, किन परिस्थितियों पर खर्च किस तरीके से कैंडिडेट या राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। और जब वो निजी वाहन में इस तरीके का कोई भ्रमण इत्यादि करते होंगे तो कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी, चाहे उनका व्यक्तिगत स्टाफ भी क्यों ना हो, वो उनको एकम्पनी नहीं करेगा, उनके साथ नहीं रहेगा। इसमें कुछ एग्जेम्पशन दिया है, चीफ मिनिस्टर साहब चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने विजिट पर रहेंगे तो एक ऑफिशियल व्यक्ति उनको एस्कॉर्ट कर सकता है, उनके साथ जा सकता है, बस इतना एक एग्जेम्पशन इसमें है। बाकी सामान्यतः प्रतिबंध बाकी लोगों के लिए रहेगा। आपातिक परिस्थितियों में यदि मंत्री महोदय को मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो, जो जनहित के लिए बहुत आवश्यक हो, किया जाना आवश्यक हो, अपेक्षित हो, तो ऐसी स्थिति में जो विभाग जिस विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं उन विभाग के सचिव महोदय की ये जिम्मेदारी अपेक्षित की गई है कि वो चीफ सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और कमीशन को इस आशय की सूचना लिखित में जारी करें। ऐसी आपातिक परिस्थितियों में राज्य के मुख्य सचिव को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ऐसे भ्रमण के दौरान मिनिस्टर साहब को गवर्नमेंट व्हीकल एकोमोडेशन और बाकी जो दूसरी कर्टसी है वो उपलब्ध कराई जा सके। पुनः यहाँ वही प्रतिबंध जारी है कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपातिक परिस्थितियाँ शो करते हुए वो उस हिस्से को शासन के व्यवस्था पर कर ले और आगे आने वाले काम में जितना प्रचार का काम करना है वो उसको निरंतर कर ले, इसके ऊपर प्रतिबंध दिया गया है। पुनः इस बात को उल्लेख करना ज़रूरी है कि किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन से संबंधित प्रचार या पॉलिटिकल एक्टिविटी से संबंधित कोई भी काम शासकीय कार्य या भ्रमण के दौरान कंबाइन न किया जाए, उसके साथ न जोड़ा जाए। कि जब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकआउट होता हो या कोई प्राकृतिक आपातिक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, सिर्फ उन व्यवस्थाओं में, उन परिस्थितियों में शासकीय व्यवस्थाओं का उपयोग किए जाने की अनुमति होगी और इस व्यवस्थाओं को निर्वाचन प्रचार के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान जिन मंत्री महोदय को या जिनको भी शासकीय वाहन उपलब्ध कराया गया है उनके लिए ये सिर्फ एकमात्र छूट ये रहेगी कि वो अपने शासकीय आवास से अपने कार्यालय तक उस शासकीय वाहन का उपयोग कर सकेंगे। उसके अलावा दूसरे प्रकार की कोई भी इलेक्शनियरिंग, निर्वाचन से संबंधित या राजनीतिक दलों से संबंधित कोई भी गतिविधि के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करने की उनको अनुमति नहीं होगी। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर धार्मिक आयोजनों का भी उपयोग किया जा रहा है तो इन पर भी प्रतिबंध है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया कि इफ्तार पार्टी अगर कोई धार्मिक अवसर है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसमें भी कोई मंत्री या पॉलिटिकल फंक्शनरी, खासतौर पर वो जो निर्वाचन से जुड़ा हुआ हो या निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हो, संभावित प्रत्याशी हो, उसे ऐसे अवसरों पर, ऐसे उत्सवों में शामिल शरीक नहीं होना चाहिए। कवि सम्मेलन, मुशायरा, दूसरे प्रकार के जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, बहुधा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के नाम से भी हो जाते हैं, ऐसे पर भी कोई सेंट्रल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, राज्य के मंत्री जो हैं, या कोई दूसरे राजनीतिक फंक्शनरी, इनको इसमें
सम्मिलित होने से यद्यपि कोई प्रतिबंध नहीं है, बट इतना ही भर ध्यान रखना होगा कि ऐसे मंच का उपयोग राजनीतिक भाषण दिए जाने के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है ये कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी प्रकार का संरक्षण या सुरक्षा राज्य के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है तो वह निरंतर रहेगा। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो खर्च है बुलेट प्रूफ कार्स का हुआ या दूसरे प्रकार के कार्स जो रहेंगे इंडिविजुअल्स के लिए, वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खर्चे में जोड़ी जानी चाहिए। बट यहाँ पर इस बात पर पुनः मैं विशेष तौर पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश बीच बीच में जारी हुए हैं उसमें यह स्पष्ट किया गया कि कम से कम एक व्हीकल जो उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अगर बुलेट प्रूफ कार है वो, तो उसको उपलब्ध कराया जाए क्योंकि सुरक्षा के मानकों के लिए वो आवश्यक है। बट उससे भिन्न अगर किसी भी प्रकार के और साधन उसमें जोड़े जाते हैं, एक से ज़्यादा बुलेट प्रूफ कार्स अगर जोड़ी जाती हैं या दूसरे प्रकार के और कार्स जोड़ी जाती हैं जिसमें बाकी लोग चल रहे हैं, तो वो वाला जो अमला जो जिसका इस्तेमाल करता रहेगा उन संसाधनों का, उनका खर्च व्यक्तिगत खर्च के पेटे जोड़ा जाएगा। मंत्रियों के लिए विवेकाधीन शक्तियों के तहत जो निधियाँ लोगों को बांटे जाने संबंधित या अनुदान संबंधित जो बातें हैं उनको भी दिए जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग या अन्य प्रकार के जो भी आयोग हैं जिनको राज्य या केंद्र शासन के द्वारा स्थापित किया गया है, अगर वो बहुत इमरजेंट सिचुएशन नहीं हो या अत्यावश्यक परिस्थितियाँ नहीं हो, उनको अवॉइड अगर किया जा सकता है तो अवॉइड किया जाएगा। उनको किसी अन्य अवसर पर ऐसे क्षेत्र के भ्रमण करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर जो चेयरमैन होंगे आयोग के या जो सदस्य होंगे या पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स जो होंगे, इनको भी आपस में मिलना और पब्लिक हियरिंग करना या लोगों से मिलने जुलने पर प्रतिबंध रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए इन स्पेसिफिक क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आप जानते हैं। म्यूचुअल हेट्रेड या तनाव की स्थिति किसी जाति समुदाय में या सांप्रदायिक भाव पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के कार्यवाही या क्रियाकलाप जिसमें अलग अलग प्रकार के जो जाति समूह हैं या संप्रदाय हैं, चाहे धार्मिक आधार पर हों चाहे भाषागत आधार पर हों, अगर उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर पैदा होता हो, भेद पैदा होता हो, दूरी पैदा होती हो, ऐसी कार्यवाहियों को नहीं किए जाने की अपेक्षा की गई है। दूसरे राजनीतिक दल की निंदा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं की जानी चाहिए। उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स, उनका जो अभी तक का कार्य किया गया है, उनसे संबंधित बातें हो सकती हैं बट व्यक्तिगत नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्तिगत डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी भी इंडिविजुअल, चाहे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इसके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान करने के लिए अपील के लिए भी ये वाली बात लगी हुई, मतदान करने के लिए अगर अपील कर रहे हैं तो उसमें भी जातिगत या संप्रदाय के आधार पर, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य कोई भी स्थान हैं जहाँ पर पूजा की जाती है, न तो वो स्थान का उपयोग किया जाएगा राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए और न ही इनसे जुड़ी हुई सामान्य भावनाओं का ही उपयोग किया जाएगा जिसके इसके आधार पर अनुरोध किया जाए कि साहब आप यो हो, इस जाति समूह के हो विशेष तौर पे या इस संप्रदाय समूह के हो, इसलिए इस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर राजनीतिक दल को या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको वोट देना चाहिए या मत मांगना चाहिए, ये अपेक्षित नहीं है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन संबंधित विषय माना जाएगा। इलेक्शन लॉ के अधीन अपराध और करप्ट प्रैक्टिसेस में जितनी बिंदुओं को शामिल किया गया है, जैसे मतदाता को रिझाने से संबंधित, मतदाता को घूस देने से संबंधित, मतदाता को डराने धमकाने से संबंधित, किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट डलवाने की बात, मिसलीड करना, इस तरीके की जो कैनवासिंग है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 मीटर के दायरे जो होंगे पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप अलाउ नहीं किया जाएगा। ये विशेष तौर पर सावधानी रखने की बात होगी 48 आवर्स जो क्लोजिंग ऑफ पोल होगा उसके 48 आवर्स के दौरान ऐसे स्थान जहाँ पर मतदान किया जाना है उससे 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार की सारी गतिविधियाँ को प्रतिबंधित किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने किसी अनुयायी को भी, फॉलोअर्स को भी, अपने व्यक्तिगत निजी संपत्ति का इस्तेमाल फ्लैग स्टाफिंग के लिए, खड़ा करने के लिए,
झंडे गड़ाने के लिए लगाने के लिए या पोस्टर बैनर्स नोटिसेस वगैरह लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। यहाँ पर विशेष तौर पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस प्रोविज़न के लिए कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समर्थन में खर्च करता है प्रचार के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, अगर उस खर्च की सीमा 10 रुपये से अधिक है तो वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में जोड़ी जानी चाहिए, वो व्यक्ति के खर्च में जुड़ेगी वो। इसलिए इसको प्रतिबंध को विशेष तौर पर ध्यान रखने की अपेक्षा की गई है कि मात्र सहमति होने से, समर्थक होने से वो व्यक्ति के समर्थन में प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, खर्च के लिए उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होगी, इसलिए यह प्रतिबंध इम्पोज किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स अगर बैठक लेना चाहते हैं, सभा करना चाहते हैं, आम सभा करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ और स्थानीय प्रशासन की अनुमति प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की गई है। एक ही रूट पे हो करके एक ही समय में प्रोसेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है ध्यान में लाया गया है। रोड शो के दौरान जिन चीज़ों को प्रतिबंध किया गया है ये 10 बिंदु इसके दिए हुए हैं। शासकीय वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा, 10 व्हीकल एक कन्वॉय में नहीं लेंगे, 10 से अधिक व्हीकल एक कन्वॉय में नहीं चलेंगे। इसमें सुरक्षा से संबंधित जो व्हीकल होंगे उनको छोड़ा गया है, इसको जोड़ा नहीं जाना है। रोड शोज़ के लिए प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी। अगर किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई कोर्ट ऑर्डर है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही रोड शो की अनुमति दी जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि हॉलीडेज़ और जो नॉन पीक आवर्स हैं उस दौरान रोड शो की अनुमति दी जाए ताकि एक आम आदमी को किसी प्रकार के असुविधा ना हो। फायर आर्म्स किसी भी कीमत में अनुमति, फायर आर्म्स लेकर के चलने के किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से अधिक दूरी मेंटेन करना होगा यदि 10 व्हीकल का कोई कन्वॉय इसमें चलता है तो। बैनर्स की जो साइज़ रहेगी, सबसे बड़ी आकार जो रहेगा उसका 6 फीट बाय 4 फीट का रहेगा। उस दौरान एक पार्टी का सपोर्टर केवल एक फ्लैग लेकर के चल सकेगा और वो फ्लैग उसकी साइज़ होगी 3 फीट बाय 2 फीट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। रोड शो के दौरान जब आप लोग अनुमति जारी करते हैं तो इन प्रतिबंधों, इन शर्तों का उल्लेख अपने अनुमति के आदेश में अवश्य उल्लिखित करें। इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर के भी कुछ प्रावधान जारी किए गए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत के संविधान में लिखे गए विषय और उसकी भावना के अनुकूल ना हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनसे संबंधित विषय का उल्लेख इसमें अगर है इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो वो जारी होने चाहिए। उन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार भी किया जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे उपलब्ध होगी, पारदर्शिता कैसे होगी और जो प्रॉमिसेस जो आप घोषणा कर रहे हैं उन घोषणा की क्रेडिबिलिटी और उनको पालन करने के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं या विचार तैयार किए गए हैं, सोचे गए हैं, इनके संबंध में भी उल्लेख इसका इसमें होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डायरेक्शन में, अपने एक जजमेंट के दौरान दिए गए डायरेक्शन में उल्लिखित किया है। किसी सभा स्थल का बैरिकेडिंग करना हो, कारकेड के लिए या व्हीकल पार्किंग के लिए कुछ व्यवस्थाएं अगर तय की जाती हैं तो उनसे संबंधित जो खर्च होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वहन किए जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री महोदय या कोई दूसरे व्यक्ति ऐसे भ्रमण में सम्मिलित होते हैं और निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं तो भी राजनीतिक दल के खर्च पर ऐसे खर्च को दर्शाया जाना चाहिए। मीडिया मॉनिटरिंग और मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रोविजंस हैं उस पर अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि टीवी चैनल्स में जो निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री होगी या केबल नेटवर्क्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे वो उनको लगातार देखना चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग के लिए कमिटी, एक टीम आपको बनाने की ज़रूरत होगी। उसकी मॉनिटरिंग संबंधी जब बात हम करेंगे तो इस पर विचार करेंगे। सीईओ लेवल पर भी इसकी एक कमिटी बनाए जाने की अपेक्षा की गई है। जो सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट को लेकर के जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको भी अटेंड करेगी और अपील इत्यादि की भी सुनवाई करेगी। स्टार कैंपेनर के द्वारा जो प्रचार किया जाएगा उसको विशेष तौर पे उसको अपने राडार में लेने की ज़रूरत होगी। पार्टी वाइज रजिस्टर बनाए जाने की अपेक्षा की जाएगी जो सीईओ और डीओ लेवल पर संधारित होंगे। विशेष तौर पे जो स्टार कैंपेनर्स जब आएंगे जाएंगे उनसे संबंधित, तो सीईओ ऑफिस तो मेनली सिर्फ इस बात का ध्यान रख सकता है कि स्टार कैंपेनर्स का ड्यूरेशन कब है, कब वो आ रहे हैं राज्य में और कब राज्य से बाहर जा रहे हैं, बट इसके अंदर का जितना गतिविधि होगा जो ज़िले के अंदर होगा और उसका डिटेल, क्योंकि उसमें खर्चे से संबंधित व्यवस्था जो है डीओ लेवल पर मेंटेन की जाएगी, संधारित की जाएगी, तो डीओ को ज़्यादा मेटिकुलसली
इन व्यवस्थाओं को देखने की अपेक्षा की गई है। ऐसे खर्च से संबंधित जो दस्तावेज होंगे उसको पब्लिक डोमेन में दिए जाने की अपेक्षा भी की है, ताकि कोई आदमी इसको, जो आदमी चाहे उस तक वो उपलब्ध हो सके, देख सके। प्लास्टिक पॉलिथिन्स और पोस्टर बैनर्स का जो उपयोग होगा वो न्यूनतम किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर ज़्यादा असर ना हो सके इसका। राज्य के जो गेस्ट हाउसेस हैं, भवंस हैं, उसके अलावा दिल्ली में जो सदन्स हैं उनका भी उपयोग पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए और पॉलिटिकल मीटिंग के लिए, पार्टी मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कंसल्टेशंस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये इससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस 8/1998 को इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। गेस्ट हाउस के उपयोग से संबंधित ये इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो ये कि किसी को गेस्ट हाउस की अनुमति दिए जाने की अगर बात कही गई है तो उसमें दो बातों का उल्लेख किया गया है कालांतर में। एक तो जेट प्लस सिक्योरिटी वाले जो रहेंगे उनको शासकीय विश्राम गृह का उपयोग किए जाने की अपेक्षा की गई, क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस हैं। बट उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ऐसे लोग अगर जाते भी हैं तो उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक व्हीकल का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जा सकेगा। गेस्ट हाउस के अंदर जो जगह दी गई है उसमें एक से अधिक वाहन अंदर नहीं जाएगी। दूसरा कहा यह भी गया है कि जब जेट्स प्लस सिक्योरिटी वाले लोग नहीं हैं, उसके दूसरे से भिन्न कोई लोग हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी। इसमें इक्विटी बेसिस पे, इक्वालिटी बेसिस पे जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की अपेक्षा की गई। ऐसा नहीं है कि जो सत्तासीन पार्टी है सिर्फ उसी को या उसी के जो लोग हैं उनको भर गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी जाए। ये अवसर सब लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिकतम एक व्यक्ति को 48 घंटे के लिए कोई रूम आरक्षित किया जाएगा। तो जब 48 घंटे के लिए आप आरक्षित करेंगे रूम, तो ऑब्वियसली फिर 48 घंटे बाद दूसरे पार्टी के आदमी या दूसरे प्रत्याशियों को इसका अवसर प्राप्त हो सकता है। इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले आप किसको देंगे, तो सबसे पहले किसको देंगे इसके लिए कोई ना कोई एक फुल प्रूफ सिस्टम बना के रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई एप्लीकेशन अगर आ रहा है तो एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में दिया जाए कि ये आवेदन पत्र इस समय इस तारीख में हमारे पास में उपलब्ध हुआ, उस पर आपका जो भी निर्णय हो इसका रोस्टर जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो एक दिन में 5 एप्लीकेशन अगर आ रहे हैं तो डेट और टाइम के साथ में उसका पब्लिकेशन होना, नेक्स्ट डे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं फिर उसका डेट और टाइम के साथ में उसका पब्लिकेशन होना, ये चीज़ को पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बैठक रहेगी उसके साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। और न केवल शेयर किया जाना चाहिए, इसका स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मॉनिटर हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात को भी देखे जाने की अपेक्षा होगी। इसके बगैर ये हमेशा एलिगेशन की जगह बनती है कि सत्ता के दबाव में विश्राम गृह का उपयोग करने की अनुमति किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को दी जा रही है, बाकी लोगों को नहीं दी जा रही है। गेस्ट हाउस और गवर्नमेंट एकोमोडेशन के बारे में जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम लोग डिसीजन कर रहे थे। किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड गेस्ट हाउस में पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगा, और ये बिंदु पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी लागू रहेगा। पुलिस ऑफिसर्स भी इस परिसर का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक तक के लिए भी नहीं कर सकेंगे। व्हीकल्स के बारे में जो प्रावधान है वो ये है कि गेस्ट हाउस या अलॉटेड जो गवर्नमेंट ओन्ड एकोमोडेशन है उसमें सिर्फ वही व्हीकल उस व्यक्ति को लेकर के जा सकती है जिस व्यक्ति के लिए एकोमोडेशन अलॉट किया गया है, और उसके साथ अगर आवश्यक हुआ सिक्योरिटी रीजन से तो दो दूसरे व्हीकल्स और ले जाए जा सकते हैं। बट ऐसे दो व्हीकल गेस्ट हाउस या गवर्नमेंट ओन्ड एकोमोडेशन के परिसर के अंदर नहीं रखे जाएंगे बल्कि बाहर रखे जाएंगे, और ये बिंदु पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी लागू होगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशंस हैं एकोमोडेशंस के लिए, उसमें ये कहा गया है कि 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को रूम्स का एलोकेशन नहीं किया जाना चाहिए। बट इस बिंदु का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो पोल क्लोजिंग टाइम रहेगा उससे 48 घंटे के पहले, चूँकि बाहर के जितने लोग रहते हैं उनको बाहर असेंबली क्षेत्र से बाहर जाना आज्ञापक प्रावधान है, इसलिए उनको जो एलोकेशन होगा वो पोल क्लोजिंग डे के टाइम, जो क्लोजिंग टाइम है उस टाइम से 48 आवर्स के पहले सीज हो जाएगा, वो निरंतर नहीं बना रहेगा। गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस के एकोमोडेशन के लिए ये कहा गया है कि ऐसे पॉलिटिकल फंक्शनरीज जिनको जेट प्लस सिक्योरिटी अवेलेबल कराया गया है उन्हें ये एकोमोडेशन दिया जा सकता है सिक्योरिटी रीजन से, बट इसके साथ कंडीशन ये जुड़ी रहेगी कि अगर एकोमोडेशन इलेक्शन रिलेटेड ऑफिशियल्स और ऑब्जर्वर्स के लिए दिया गया है तो ऐसा एकोमोडेशन पॉलिटिकल फंक्शनरीज को अलॉट नहीं किया जाएगा।
अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई जेटलस सिक्योरिटी कैटेगरी के पॉलिटिकल फंक्शनरी को एलोकेशन किया गया है तो भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में जारी नहीं की जा सकेगी, उसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट एकोमोडेशन के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है तो पार्टी इन पावर खास तौर पे इसको मोनोपोलाइज ना करे या कोई कैंडिडेट स्पेसिफिक इसको मोनोपोलाइज ना करे, इसलिए फेयर मैनर में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है। जैसा कि पिछली स्लाइड के तारतम्य में हम चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन या कैंपेन ऑफिस कोई भी पब्लिक मीटिंग इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए गवर्नमेंट एकोमोडेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सर्किट हाउस, डाक बंगलो में कोई भी कैंपेन ऑफिस भी कोई भी किसी भी स्तर का पॉलिटिकल पार्टी या फंक्शनरी या इंडिविजुअल स्थापित नहीं कर सकेगा। नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डूज एंड डोंट्स पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए है। इसकी समरी इलस्ट्रेटिव नेचर की है, बट इसकी समरी हम लोग जरूर विल ब्राउज थ्रू। ऑनगोइंग प्रोग्राम्स जो फील्ड पे प्रारंभ हो चुके हैं वो इलेक्शन अनाउंसमेंट के बावजूद निरंतर जारी रखे जा सकते हैं। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स, खासतौर पे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो प्रारंभ किए जा सकते हैं और वो निरंतर रखे जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ या टर्मिनली और क्रिटिकली इल पर्सन्स के लिए कोई ग्रांट ऑफ कैश होता है या कोई मेडिकल फैसिलिटी का एक्सटेंशन होता है तो अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स के साथ में ये दिए जा सकते हैं। अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स का आशय ये है कि जो जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, जो सामान्य परंपरा का सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके लिए डिसीशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के तहत लिया जाता है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है, पॉलिटिकल डिस्क्रिशन नहीं है उसमें, ऐसे ग्रांट्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ यथासंभव अगर CO सहमत हो तो अपने स्तर से अनुमति दे करके आयोग को सूचित करते हुए इसमें अनुमति प्रसारित कर सकते हैं। पर जो इसमें पॉलिटिकल डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो, ऐसी स्थिति में टर्मिनली या क्रिटिकली इल पर्सन्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ या ग्रांट ऑफ कैश का एक्सटेंशन अगर किया जाना होगा तो आयोग के पूर्व अनुमति से ही होगा। ऐसे केसेस में रेफरेंसेस CO के मार्फत आयोग को भेजे जाते हैं। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मैदान इत्यादि, जहाँ सामान्यतः सभा इत्यादि की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाती हैं, वो इम्पार्शियली सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति हेलीपैड के उपयोग के लिए है। अगला बिंदु है जिसमें कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को पर्सनल लेवल के क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। पर्सनल कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनके क्रिटिसिज्म से रिफ्रेन करना चाहिए, बल्कि क्रिटिसिज्म अगर किसी चीज़ का करना है तो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और पास्ट रिकॉर्ड और जो पूछे काम हुए हैं उनसे संबंधित क्रिटिसिज्म इनकी स्पीचेस में शामिल हो सकते हैं, बट पर्सनल लेवल पे डेरोगेटरी रिमार्क्स किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आकृष्ट होता है। कई ऐसे दृष्टांत भी हैं, नज़ीरें भी हैं कि जब पर्सनल लेवल पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, पर्सनल लेवल पे डेरोगेटरी रिमार्क्स किए गए हैं, तो आयोग ने कुछ काल के लिए जो कैंपेन ड्यूरेशन है उससे संबंधित लोगों को प्रतिबंध करने संबंधी नोटिस भी जारी किया है और उसमें आदेश भी जारी किए हैं कि वो डिपेंड करता है किस प्रकार का डेरोगेटरी रिमार्क्स या पब्लिक स्पीच कहा गया है। आयोग 72 घंटे तक भी कई बार प्रतिबंध लगाया है, 24 और 48 घंटे के नज़दीक तो काफ़ी बड़ी संख्या में है। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण, बाधा रहित व्यक्तिगत जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए और उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। जहाँ भी पब्लिक मीटिंग्स कन्वीन किए जाने हैं वहाँ आवश्यक परमिशंस के साथ ऐसा काम किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात को कहने की आवश्यकता है कि कोई भी वेन्यू जहाँ पर ऐसा कोई मीटिंग किया जाना है उसके संबंध में लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को कंप्लीट और फुल इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील हैं उन स्थानों पर मीटिंग्स नहीं किया जाए। ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरा सम्मान पॉलिटिकल पार्टी और कंटेस्टिंग कैंडिडेट के लिए किया जाना आज्ञापक है। ऐसे स्थान जहाँ पर किसी प्रकार का प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया गया है, ऐसे में अगर किसी प्रकार का एक्सेप्शन आवश्यक हो तो कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ अर्थात डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से इस बारे में
समय पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए। सभा स्थल और व्हीकल के लिए लाउड स्पीकर का अगर इस्तेमाल होगा तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसके लिए प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी रैली के तारतम्य में अगर कोई बात आती है तो जो रूट और जो समय बताया गया है और जिस रास्ते से होकर के प्रोसेशन जाएगा उनके लिए समय सारणी और रूट इन दोनों का पालन किया जाना आवश्यक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के लिए आज्ञापक होगा कि पुलिस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऐसी रैलीज और सभा आयोजन के लिए अनुमति पूर्व से प्राप्त कर लें। रैलियों के समय यह विशेष ध्यान रखे जाने की ज़रूरत होगी कि ट्रैफिक पर किसी प्रकार का हिंड्रेंस पैदा न होने पाए। रैली में और सभा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के लिए बैचेस और आइडेंटिटी कार्ड्स का डिस्प्ले किया जाना और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफिशियल्स जो रेगुलेटरी मेजर्स को देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लगेंगे उन सब के पास में बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड के डिस्प्ले करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। पोल डे के लिए जनरली जो मतदाता पर्ची कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जारी करती हैं उनके लिए ये सुझाव है कि सामान्य सादे पेपर पर मतदाता पर्ची जारी किया जाना चाहिए और इस पर्ची पर किसी प्रकार का सिंबल, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम या किसी भी राजनीतिक दल का नाम इत्यादि का लेख नहीं होना चाहिए। व्हीकल्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है कैंपेनिंग पीरियड को लेकर के और पोल डे के लिए, वो पूरी तरह से कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका सम्मान करें, ये बहुत आवश्यक होगा। कैंडिडेट, इलेक्शन और पोलिंग एजेंट्स के अलावा केवल वे व्यक्ति जिनके पास वैलिड अथॉरिटी लेटर हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, सिर्फ वे व्यक्ति ही पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। कितने भी सुरक्षा से लेस या हाई पावर पॉलिटिकल फंक्शनरी उनको बूथ के अंदर प्रवेश करने की अनुमति, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से संबंधित कोई भी सूचना या घटना की संबंध में जानकारी ऑब्जर्वर को रिटर्निंग ऑफिसर, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट या इनके मार्फत सूचना दी जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डायरेक्शन या ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस रिटर्निंग अफसर को या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को जारी किए जाएं, उनका पालन किया जाना अपेक्षित है। जो स्टार कैंपेनर्स और दूसरे जो कैंपेन करने वाले डिग्नेटरीज होंगे उनके लिए निर्देश बड़े साफ हैं कि कैंपेन पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, अर्थात डोर टू डोर संपर्क का पीरियड शुरू होता है, साइलेंस पीरियड जिसको हम लोग सामान्यतः 48 आवर्स का मानते हैं, उस दौरान जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके भौगोलिक क्षेत्र से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति जो वहाँ का वोटर नहीं है उसे बाहर हो जाना चाहिए। सिर्फ कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन के लिए उस क्षेत्र पे निरंतर बना रह सकता है यदि वो उस क्षेत्र का मतदाता ना हो तो भी। अब जिन बिंदुओं पर प्रतिबंध है उनसे संबंध में हम चर्चा करते हैं। सरकारी खर्च पर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी मंत्री महोदय पोलिंग स्टेशन या अकाउंटिंग के प्लेस पे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पोलिंग बूथ के लिए विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर वो वहाँ के वोटर हैं तब वो एक्सेप्शन रहेगा। अगर वोटर की हैसियत में मतदान करने के लिए किसी मतदान केंद्र के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो अनुमति दी जाएगी, अन्यथा सिर्फ विजिट और इंस्पेक्शन के लिए मंत्री होने के आधार पर उन्हें बूथ के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें यह अधिकार केवल और केवल तब प्राप्त होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफिक अथॉरिटी इस संबंध में जारी की गई हो। मंत्री महोदय और पॉलिटिकल डिग्निटरीज के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑफिशियल काम को कैंपेनिंग और इलेक्शनिंग के साथ में मिक्स नहीं किया जाना है। मतदाता को रिझाने के लिए प्रलोभन देना, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो या किसी अन्य प्रकार के इंड्यूसमेंट के फॉर्मेट में,
नहीं दिया जाना चाहिए। प्रचार प्रसार के दौरान रेस, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और लैंग्वेज की फीलिंग्स के संबंधित में कोई भी बात से इलेक्टर को रिझाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए या उसके संबंध में अपील नहीं जारी की जानी चाहिए। कास्ट और म्यूचुअल हेट्रेड को प्रमोट करने वाले और जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में उनके बीच में अगर किसी प्रकार की डिफरेंसेस को बढ़ाए जाने संबंधी कोई भी स्पीच, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे हो चाहे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स से संबंधित हो, क्यों इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई भी टिप्पणियाँ से बचने का प्रयास करना चाहिए, बचा जाना चाहिए। और पब्लिक एक्टिविटी से संबंधित अगर कोई बातें हैं, उनके कार्य से संबंधित है, उनके योजनाओं से संबंधित है, उनके पिछले जो कार्य किए गए हैं उनसे संबंधित अगर बातें हैं तो उसके क्रिटिसिज्म को परमिट किया जा सकता है। बट व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करना, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के दायरे में आएगा। कानून के द्वारा ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इलीगल मीटिंग्स, इससे संबंधित जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इलेक्टोरल ऑफेंसेस के तहत आईपीसी की धारा 171 में डिफाइन की गई हैं। उसमें कॉग्निबल नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है वो, और इससे रिफ्रेन किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आवास के सामने धरना प्रदर्शन इत्यादि से संबंधित कोई भी गतिविधियाँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ऐसे सारे स्थान जहाँ पर पूजा की जाती है, उनका उपयोग इलेक्शन प्रोपेगेंडा, भाषण, राजनीतिक संभाषण, पोस्टर्स इत्यादि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि म्यूज़िक इत्यादि के फंक्शंस कई बार किए जाते हैं, बट उसका उपयोग भी इलेक्शनरिंग के लिए अगर किया जाता है तो वह प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय नियम कानून के दायरे में रहते हुए किसी व्यक्ति विशेष की अगर भूमि है, उसका कोई भवन है, उसका कंपाउंड वॉल है या उसकी गाड़ी है, ये फ्लैग स्टाफ और जो प्रचार प्रसार के जितने तमाम सामग्री है उनके इस्तेमाल करने के लिए इनकी अनुमति, जब तक के व्यक्तिगत स्तर पर स्पेसिफिक अनुमति उसको प्राप्त न हो सक्षम प्राधिकारी से या व्यक्ति की सहमति से, तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की पब्लिक मीटिंग या प्रोसेशन को डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ एक व्यक्ति का कोई सभा चल रहा हो या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सभा चल रही है, तो ऐसे स्थान को जब तक के दूसरे के लिए उपलब्ध न हो जाए तब तक के उसमें पुनः मीटिंग्स इत्यादि के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिना अनुमति असेंबलेज किया जाना वैसे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के दायरे में आता है। रैलियों में ऐसा कोई भी आर्टिकल लेकर के नहीं चलेगा जिसका उपयोग मिसाइल या वेपन के लिए किया जाना संभावित हो। जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ने अपने पोस्टर्स प्रचार प्रसार के लिए लगाए हैं उनको निकाला जाना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आएगा, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के या अगर उनको विधिपूर्वक अनुमति मिली है उस स्थान का इस्तेमाल करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तो उसे नहीं हटाया जाना चाहिए। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर के दायरे में पोल डे के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार, फ्लैग्स, सिंबल्स, पोस्टर्स या आइडेंटिटी स्लिप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, जिसको हम मतदाता पर्ची कहते हैं, वो 200 मीटर के दायरे के बाहर किए जाएंगे। पुनः मतदाता पर्ची सादे कागज़ की होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का सिंबल, फ्लैग, कैंडिडेट का नाम या पॉलिटिकल पार्टी का नाम या उसका चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए समय के प्रतिबंधता समय के लिए जो प्रतिबंध है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच, चाहे वो व्हीकल पर लगाया जाए चाहे किसी स्थान पर, इसकी परमिशन नहीं होगी। इससे संबंधित बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सुरक्षागत कारणों से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं, उसे इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बहुत स्पेसिफिकली इस बात का उल्लेख पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की जो मीटिंग्स हैं उसमें किया जाना। ड्यूरिंग इलेक्शंस अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभावशील रहने की अवधि
इस दौरान शराब का वितरण किया जाना और किसी भी प्रकार का रिश्वत दिया जाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट के कारण कोई गार्ड, ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराया गया है, वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल के साथ 100 मीटर के दायरे तक तो जा सकेगा, और अगर वो पोल वोट डालने के लिए आ रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट है उसको, तो ऐसी स्थिति में अगर बूथ के अंदर प्रवेश करने की बात आती है तो सादे लिबास में जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो कंसील्ड वेपन को अपने कंसील करते हुए सादे लिबास में उसके साथ उपस्थित रह सकेगा। शासकीय वाहनों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्पेसिफिक है। किसी भी शासकीय वाहन का उपयोग इलेक्शन के काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसमें शासकीय वाहन के दायरे में प्रत्येक वो वाहन जो प्रत्यक्ष रूप से शासन का हो, राज्य शासन का हो, केंद्र शासन का हो, केंद्र शासन के द्वारा स्थापित उपक्रम का हो, राज्य शासन के द्वारा स्थापित उपक्रम का हो, मंडल का हो, आयोग का हो, कॉरपोरेशंस के हैं, इन सब में जो सरकारी संपत्ति का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय धन का उपयोग करते हुए जो संसाधन विकसित किए गए हैं उनका इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति जिनको सुरक्षागत कारणों से बुलेट प्रूफ व्हीकल दी गई है वो ऐसे व्हीकल का इस्तेमाल कर सकेंगे, पर अगर एक से ज़्यादा गाड़ियों की अगर ज़रूरत होती है तो एक चूंकि वाहन उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, उस व्हीकल का उपयोग करने की अनुमति तो उन्हें होगी, बट उसके अतिरिक्त जो भी अन्य व्हीकल का इस्तेमाल वो करेंगे उन सब के लिए खर्च से संबंधित जो बिंदु होंगे उनका ध्यान रखा जाना होगा। और ऐसे परिस्थितियों पे जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड है, चाहे वो प्रोपेलिंग के लिए हो, चाहे वो वाहन के किराए से संबंधित हो, उनके खर्च के पेटे इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ एक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि बहुत सारे डिग्निटरीज होते हैं जिनमें सिक्योरिटी रीजन से पुलिस और होम डिपार्टमेंट का ये ओपिनियन रहता है कि कुछ कारकेड इनके साथ चले जाने की आवश्यकता है, तो उसमें स्पेसिफिक उल्लेख का एक कंसेंट लेटर जो रहेगा, स्पेसिफिक उल्लेख करते हुए ऐसी बातों का डिटेल देते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्फत डीओ को प्राप्त करना चाहिए, ताकि खर्च से संबंधित विसंगति को एड्रेस करना आसान हो सके। जेट प्लस सिक्योरिटी कवर वाले जो व्यक्ति हैं उनको स्टेट ओन्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल एक बुलेट प्रूफ व्हीकल के उपयोग करने के लिए अनुमति दिए जाने से संबंधित आयोग का इंस्ट्रक्शन है 24 अक्टूबर 2007 का। पायलट एस्कॉर्ट्स इत्यादि के लिए जो कारकेड में कितनी व्हीकल की आवश्यकता होगी ये पूरी तरह से सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडेंस दिया जाएगा केवल उसके तारतम्य में ही अनुमति दिया जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सिक्योरिटी व्हीकल को छोड़ करके 10 से अधिक का कारकेड किसी भी स्थिति में अनुमति दिए जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जा सकेगा। प्राइवेट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर का जो कंसिडरेशन है उसको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर कोई कैंडिडेट किसी प्राइवेट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को हायर करता है तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में उसे जोड़ा जाना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 अक्टूबर 2010 का ये इंस्ट्रक्शन अवलोकन योग्य है। नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का पूरा रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो लॉ और जो रिलेवेंट रूल्स है उसके तहत रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस डेटेड 18/8/1999। उसके साथ ही साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के जो लोग होंगे उनके लिए जनरल इलेक्शन के टाइम पे भी इलेक्शन रिलेटेड ट्रैवल के लिए जो क्लॉज दिया गया है कि कैंपेनिंग के लिए ऐसे किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन उन पर प्रभावशील रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन डेट 30 मार्च 2001 को लोग योग्य है। जिन क्षेत्रों पे आचार संहिता प्रभावशील है उसमें ये बात बहुत गौर करने लायक है कि किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी या स्टार कैंपेनर के लिए
पायलट कार्स का इस्तेमाल नहीं होगा, जिन कारों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें व्हीकल लाइट्स, किसी भी कलर की व्हीकल लाइट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी प्रकार के सायरन या वार्नर्स का उपयोग कारों पर नहीं किया जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अगर सिक्योरिटी कवर के तौर पर दिया भी गया हो तो भी प्रभावशील रहेगा। यह इस बात से भी प्रभावित नहीं होगा कि उपयोग किए जाने वाला वाहन शासकीय वाहन है या निजी वाहन है। हर प्रकार की परिस्थितियों पर इन तीन बिंदुओं का पालन किया जाना पॉलिटिकल फंक्शनरीज के लिए, मिनिस्टर्स के लिए अपेक्षित है। नामांकन भरे जाते समय आरओ और एआरओ का जो ऑफिस होगा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर केवल 3 व्हीकल की अनुमति दी जाएगी। यद्यपि कोविड के काल को ध्यान में रखते हुए ये समय सीमा, ये व्हीकल की सीमा जो है दो व्हीकल तक सीमित कर दी गई है। अर्थात आरओ एआरओ के ऑफिस के 100 मीटर की परिधि के अंदर केवल दो वाहन किसी अभ्यर्थी के साथ प्रवेश कर सकेंगे। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के साथ चलने वाले व्यक्तियों के वाहनों पर विशेष निगाह रखे जाने की ज़रूरत है, यह स्थानीय प्रशासन का काम होगा। इलेक्शनियरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो की जाती है उसमें वीडियो वैन्स का अगर इस्तेमाल किया जाना है तो उसकी अनुमति केवल और केवल सीओ के स्तर से जारी की जाएगी। व्हीकल की परिभाषा में साइकिल रिक्शा को भी शामिल किया गया है, अर्थात साइकिल रिक्शा का उपयोग भी इलेक्शनियरिंग पर्पस के लिए अगर किया जा रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया जाएगा। सिक्योरिटी व्हीकल्स को छोड़कर जो व्हीकल्स का कन्वॉय होगा, जो रैलियों के तौर पे चलता है, वो 10 से अधिक नहीं होगा। यद्यपि कोविड काल में इसकी सीमा 5 तक अधिकतम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन 5 अक्टूबर 2010 को अवलोकन योग्य है। वाहनों का उपयोग जो प्रावधान दिए गए हैं उससे भिन्न परिस्थितियों पर अगर किया जाना पाया जाता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यह जिम्मा होगा, उसकी जवाबदारी होगी कैसे व्हीकल्स को दोबारा इलेक्शनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल न किया जा सके तब तक जब तक इलेक्शन का ड्यूरेशन बना हुआ है, प्रभावशील है, प्रतिबंध किए जाने संबंधी जो भी आदेश है उसको रिटर्निंग अफसर या डीओ प्रभावशील करेंगे। इलेक्शन कैंपेन के लिए कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो भी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पूरा डिटेल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को और ऐसे सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाना कंटेस्टिंग कैंडिडेट का जिम्मा होगा। यदि अतिरिक्त व्हीकल्स के डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता कैंडिडेट या उसका एजेंट महसूस करता है तो काफ़ी समय पूर्व उसे अनुमति प्राप्त करने के बाद ऐसे व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई है उससे भिन्न क्षेत्रों में वाहनों का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन जिनका उपयोग प्रचार प्रसार के लिए कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट या कैंपेनिंग के लिए दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे व्हीकल्स को रिक्विजिशन नहीं करेगा अपने इलेक्शन कार्य के लिए। और यह भी बात गौर करने लायक है कि ऐसा कोई भी वाहन जिसको कैंपेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, अगर ऐसा करता पाया जाता है तो इंडियन पेनल कोड का अध्याय 9A के तहत जो कार्रवाई की जानी है उसको राजसात किया जाना है, उसको जब्त किया जाना है और संबंधित न्यायालय में उसकी सूचना दी जानी है, क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इससे संबंधित कार्रवाई की जानी होगी। और किसी भी स्थिति में जब तक इलेक्शन का ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होता है, कैंपेनिंग पीरियड ख़त्म नहीं होता है, तब तक ऐसा व्हीकल उन्मुक्त नहीं किया जाएगा, उन्मोचित नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस 18 मार्च 1997 रेफरेंस के लिए उपलब्ध होगा। कोई भी प्राइवेट फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का उपयोग इलेक्शन
के पोल और काउंटिंग प्रोसेस से संबंधित गतिविधियों को सुपरवाइज करने और मॉनिटर करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन 8 मई 2001। केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री व्हीकल का उपयोग और अपने भ्रमण का को इस तरीके से प्लान नहीं करेंगे कि वो इलेक्शन वर्क के साथ साथ ऑफिशियल टूर प्रदर्शित किए जाने को सुलभ हो सके। ऑफिशियल व्हीकल्स जो इनके पास होंगे, जो मंत्री महोदयों के पास में होंगे, उनका उपयोग सिर्फ अपने ऑफिशियल रेसिडेंस से कार्यालय तक आने जाने के लिए किया जाएगा। वैसे भिन्न स्थितियों में अगर व्हीकल का मूवमेंट देखा जाता है तो वो इलेक्शनियरिंग या पॉलिटिकल एक्टिविटी में सम्मिलित मानते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के दायरे में कार्रवाई योग्य होगा। शासकीय वाहनों का उपयोग ड्यूरिंग पोल हायरिंग या ऐसा कोई प्रोक्योरमेंट जिसमें वोटर्स का फ्री कन्विंस किया जाए करप्ट प्रैक्टिस के तहत मान्य किया जाएगा। कैंडिडेट्स, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको पोल डे के लिए 3 व्हीकल का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी जाती है। एक उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए, एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए, और एक ऐसा व्हीकल जो उनके पार्टी या वर्कर्स जो एंटायर असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कवर करेगा उसके लिए उपलब्ध होगा। अर्थात अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है तो ये पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये 3 व्हीकल का प्रोविजन पर विचार किया जा सकता है। परमिट जो इंडिकेटेड व्हीकल्स हैं वो DM या रिटर्निंग अफसर के द्वारा जारी किया जाएगा और ओरिजिनल में जो परमिशन लेटर रहेगा वो ओरिजिनल में व्हीकल के विंडस्क्रीन पर चस्पा किया जाएगा। जिन व्हीकल्स की परमिशन नहीं है, परमिट जिन व्हीकल्स के लिए नहीं है, उनको किसी भी कीमत पर उसका उपयोग इलेक्शनियरिंग कैंपेनिंग प्रोसेस के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई भी व्हीकल जो 4 चक्कों से ज़्यादा चक्कों से युक्त है उसका उपयोग इलेक्शन कैंपेनिंग पर्पस के लिए कैंडिडेट, वर्कर्स या पार्टीज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें हो सकता है, वो ये है कि प्रचार सामग्री जब लेकर के जाते हैं किसी एक जगह, तो ऐसी स्थिति में CO या DO जो सक्षम अधिकारी है इस कार्य के लिए उसकी अनुमति से ऐसे व्हीकल का उपयोग किया जा सकेगा। बट कैंपेनिंग के लिए तब भी ऐसे व्हीकल्स जिसमें 4 चक्के से ज़्यादा चक्के लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर आपातिक परिस्थितियों पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे यूनियन या स्टेट मिनिस्टर का एरिया में विजिट लेना आवश्यक हो तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिनिस्टर को गवर्नमेंट व्हीकल और एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऑफिशियल ट्रिप के लिए जो यूजुअल कर्टसीज हैं वो भी एक्सटेंड की जा सकती हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक होगा कि जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कमीशन को इस आशय की एक सूचना लिखित में जारी करें। राज्य और केंद्र सरकार के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो प्रतिबंध हैं उनमें घोषणाओं से संबंधित जो प्रतिबंध हैं वो ये हैं: नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा नहीं की जाएगी, नए प्रोग्राम्स की घोषणा नहीं की जाएगी, नए रियायतों की घोषणा नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान किसी भी रूप में जारी नहीं किया जाएगा, और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले प्रोमिसेस को प्रभावशील किए जाने से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की जाएगी। यह सारा कृत्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के दायरे में आएगा। टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज, फिस्कल मेजर्स, रिलीफ या बेनिफिट्स किसी भी पॉलिसी से संबंधित अगर हैं तो इलेक्शन कमीशन के प्रायर अप्रूवल से राज्य सरकार या केंद्र सरकार जारी कर सकेगी। यह परमिशन नई स्कीम्स और ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए भी प्रभावशील रहेगी। गवर्नमेंट एजेंसीज के जो कार्य इलेक्शन के अवधि में जारी रह सकते हैं वो ये हैं: जो उन कार्यों को वास्तव में ज़मीन पर प्रारंभ कर दिया गया है और आवश्यक सैंक्शंस जो हैं वो जारी कर लिए गए हैं। अगर कोई बेनिफिशियरीज हैं मनरेगा इत्यादि के, तो वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर्ड अगर हैं और उनका डिस्प्ले पब्लिकली कर दिया गया है पोर्टल्स पे, तो वो निरंतर रह सकते हैं। कंप्लीटेड काम जो रहेंगे या जिस काम को पूर्ण कर लिया गया है उनके लिए फंड को रिलीज करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।
वो जारी किए जा सकते हैं। एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स, जो प्रभावित व्यक्ति है उसको सीधे अगर उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सका तो जारी किया जा सकता है। बट सीएम पीएम रिलीफ फंड, जो सीधे सीधे हॉस्पिटल को जिनका भुगतान अगर किया जाना है तो उसकी अनुमति दी जा सकती है। इमरजेंसी रिलीफ वर्क्स अगर किए जाने की आवश्यकता है तो आयोग को इंटीमेट करते हुए ऐसे कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उससे संबंधित को नए काम हैं तो वो आयोग के प्रायर परमिशन से ही किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रारंभ करने के बाद में इंटीमेशन का क्लास प्रभावशील नहीं रहेगा। पीएम और सीएम के रिलीफ फंड से जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के पर्सन्स अगर होंगे, जैसा मैंने पहले चर्चा में कहा था कि डिस्क्रिशन जहां पर भी किसी पॉलिटिकल फंक्शनरी या डिग्नेटरी का इन्वॉल्व होता है वहां पर आयोग की प्रायर परमिशन आवश्यक होगी, चाहे वो पीएम रिलीफ फंड की बात हो चाहे वो सीएम रिलीफ फंड की बात क्यों ना हो। ये उन कार्यों का स्लाइड बता रहा है जिसमें आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। डिस्क्रिशनरी फंड से नए काम प्रारंभ करना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के रिवाइवल के लिए प्रपोजल्स यदि कोई हों उसका भी प्रायर अप्रूवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिया जाना होगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्कीम या प्रोग्राम है उसमें किसी प्रकार का भी एक्सटेंशन हो, चाहे वो एरिया ऑफ वर्क हो चाहे फाइनेंस रिलेटेड मैटर हो, प्रायर परमिशन आवश्यक होगी। इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंड एलोकेशन अगर किया जाना हो तो उसके लिए आयोग की परमिशन आवश्यक होगी। और तो और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की साइनिंग के सिग्नेचर, जो नए काम होंगे जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए भी आयोग का पूर्व अनुमति अपेक्षित होगा। आयोग का इंस्ट्रक्शन 5 मार्च 2009, ये कहता है कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से इत्यादि होते हैं, जो स्टैचुटरी अथॉरिटी के साथ हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, पॉलिटिकल फंक्शनरीज को इन्वॉल्व करते हुए ऐसा कोई डिसीशन अगर किया जाना हो चाहे वो रिलीफ वर्क से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उसमें आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। स्टेट यूटिलिटी स्कीम्स नेशनल या रीजनल स्तर पर जिन कामों को पूरा कर लिया गया है उन कामों के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर जारी किया जाता है और उन कामों को पब्लिक इंटरेस्ट में फंक्शन करने के लिए प्रारंभ किया जाता है तो इसको रोके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आयोग का इंटीमेशन पर्याप्त होगा। ऐसे स्थिति में अगर कमिश्निंग को, किसी स्कीम की कमिश्निंग अगर किया जाना है तो पॉलिटिकल फंक्शनरीज़ के अभाव में सिविल अथॉरिटीज़ इस काम को प्रारंभ कर सकेंगे। पुनः प्रतिबंध जो जारी रहेंगे वो गवर्नमेंट स्कीम्स के, कोई नए सैंक्शंस जारी नहीं होंगे। मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स किसी स्कीम्स के रिव्यू नहीं कर सकेंगे। वेलफेयर स्कीम्स या किसी प्रकार का फंड जो नया हो उसे जारी नहीं किया जा सकेगा। किसी नए काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में नहीं आएगा। यदि कोई कार्य वास्तव में ज़मीन पर प्रारंभ नहीं हुआ है, यद्यपि उसके लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और उस वर्क ऑर्डर जारी करने के इमीडिएटली बाद मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हुआ है, इवन देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील रहते तक ऐसा कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। कंप्लीटेड काम के लिए रिलीज ऑफ पेमेंट्स पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, केवल ये कंसर्न्ड ऑफिशियल के कंप्लीट सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए किए जाने की बात कही गई है। कमीशन के पास जो प्रपोजल रेफरेंस के लिए जाते हैं उसमें कमीशन जिन बिंदुओं पर गौर करता है वो है इमरजेंसीज, अनफोर्सिन कैलेमिटीज, वेलफेयर मेजर्स, एजेड और इन्फॉर्म लोगों के लिए। पर ऐसी परिस्थितियों में जहाँ इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लिया जाना चाहिए। मिनिस्टर्स या कोई भी ऐसी अथॉरिटी अपने डिस्क्रिशनरी फंड का सैंक्शन या ग्रांट नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन 9/11/1984 फॉलो करने योग्य है। स्टेट गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चाहे वो आंशिक या पूर्ण रूप से हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन के राइट ऑफ करने से संबंधित प्रक्रिया या फाइनेंशियल लिमिट्स को बढ़ाने से संबंधित कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील है।
डिमोलिशन या एविक्शन ड्राइव नहीं किया जाना चाहिए, इसका मेन कंसिडरेशन है वोटर्स रिहैबिलिटेशन या डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई डिमोलिशन एक्टिविटी कोर्ट के ऑर्डर से किया जाना अपेक्षित है तो ये आयोग के नोटिस में लाया जाना चाहिए, पहले उनके नोटिस में लाया जाए उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन किया जाए। ट्रैवल पासेस की अनुमति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील रहने के दौरान नहीं दी जानी चाहिए। मेजर ऑक्शन, गवर्नमेंट टेंडर्स, चाहे वो तेंदुपत्ता लीव से संबंधित ही क्यों ना हो, उस पर प्रतिबंध आयोग के इंस्ट्रक्शन 22/3/1996 और 24/3/2009 के द्वारा प्रभावशील किया गया है। न्यूज़पेपर्स और किसी भी दूसरे प्रकार के मीडिया में शासकीय खर्च पर विज्ञापन इलेक्शन पीरियड में नहीं जारी किए जाएंगे। सारी होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट और जो पब्लिक एक्सचेकर के खर्चे पर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में किए जाते हैं, उन सबको संबंधित अधिकारियों के द्वारा, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। तो आज के सेशन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिन अलग अलग विषयों पर, जिन अलग अलग एजेंसियों पर प्रभावशील रहता है, उन सब पर हमने चर्चा की है। पीपीटी के स्लाइड्स साथ में रेफरेंस के लिए उपलब्ध हैं और इस सेशन को आप लोगों ने ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूँ।